हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2019 में रिलीज हुई हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रेडी ऑर नॉट। मूवी का प्लॉट कुछ ज्यादा नया या अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ये अपने कॉन्सेप्ट पर बनी एक वन ऑफ द बेस्ट और एक परफेक्ट मूवी है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जिया प्लेयर एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें आपको वीडियो प्लेयर के साथ ही काफी ज्यादा एडवांस और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप एक ही क्लिक में किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस अपने फोन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप अपने प्राइवेट फोटोज, वीडियोस और इवन ऑडियो फाइल्स को भी पासवर्ड लगाकर सिक्योर कर सकते हो, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको ज्यादा एड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस अगर आपको भी मेरी तरह अपने मोबाइल में ही मूवीज देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर सिंपली प्ले स्टोर में जिया प्ले सर्च करके आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एलेक्स और डैनियल नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो दोनों भागते हुए एक रूम में जाते हैं, जहां जाने के बाद डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को एक कबर्ड में छुपने के लिए बोलता है। तभी डैनियल के पास एक बुरी तरह इंजर्ड आदमी आ जाता है और वो डैनियल से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा था। यहाँ डैनियल अपने फैमिली मेंबर्स को आवाज लगा के बता देता है कि वो आदमी यहाँ पर छुपा था। कुछ ही देर में वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं और उस आदमी को बुरी तरह से मार देते हैं। इस फैमिली में एक हेलन नाम की लड़की भी थी, जिसकी कुछ देर पहले उसी आदमी के साथ शादी हुई थी, जिसे इन लोगों ने अभी अभी मार दिया। इसके बाद मूवी 30 साल आगे बढ़ती है, जहां पर हमें ग्रेस नाम की लड़की को देखते हैं। यहां हम एलेक्स को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि ग्रेस और एलेक्स आज शादी करने वाले हैं। ग्रेस बचपन से ही एक ऑर्फनेज में रहती थी और वो अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती। उसकी लाइफ पहले से इतनी मुश्किल थी और तभी उसकी लाइफ में एलेक्स आ गया। एलेक्स और उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है, जिसकी वजह से ग्रेस काफी ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी आने वाली जिंदगी में उसे कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ये सभी फैमिली फोटोज ले रहे थे, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स की मॉम बैकी ग्रेस से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि एलेक्स काफी समय से उनकी फैमिली के साथ नहीं रहता और वो फाइनली अपनी शादी के बाद उनके साथ वापस से रहने के लिए मान चुका था। दूसरी तरफ हम एलेक्स के फादर टोनी को देखते हैं, जो कि ग्रेस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ग्रेस सिर्फ एलेक्स के पैसों के लिए ही उससे शादी कर रही है। यहाँ हम डैनियल की वाइफ चैरिटी को देखते हैं और साथ ही हम यहाँ हेलन को भी देखते हैं, जिसके हस्बैंड को मूवी के स्टार्ट में इन लोगों ने मार दिया था। यहाँ फाइनली इनकी शादी कंप्लीट होती है और रात को ये सभी अपने घर पर थे। एलेक्स यहाँ ग्रेस को एक गेम के बारे में बताता है, एक ऐसी गेम जो इनकी फैमिली में शामिल होने से पहले हर एक फैमिली मेंबर को खेलना ही पड़ता है। ग्रेस को कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें से उसे एक कार्ड चुनना होगा और जो भी गेम उस पर लिखा होगा वो इन सभी को खेलना पड़ेगा। इसमें उसके जीतने या हारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका सिर्फ इस गेम में हिस्सा लेना ही ज्यादा जरूरी है। ग्रेस को भी यहाँ लगता है कि अगर एक गेम की वजह से एलेक्स की पूरी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो वो उस गेम को जरूर खेलेगी। पर यहाँ हम जानते हैं कि एलेक्स ने ग्रेस को पूरी बात नहीं बताई। कुछ देर बाद एलेक्स की बहन एमिली और उसका हस्बैंड फिज भी वहां पर उस गेम को खेलने के लिए आते हैं और वो सभी मिलकर ग्रेस को एक रूम में ले जाते हैं। उस रूम में काफी सारी विंटेज और पुरानी चीजें रखी हुई थी और साथ ही वहां पर काफी सारे हथियार भी थे। यहाँ टोनी ग्रेस को उस गेम के सारे रूल्स समझाता है और साथ ही वो उस गेम की हिस्ट्री बताता है। टोनी बताता है कि उसके ग्रैंडफादर को एक लबेल नाम का आदमी मिला था और उसने उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स दिया था। उस बॉक्स की वजह से ये लोग इतने ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल बन गए और आज भी वो लोग उस बॉक्स की रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद टोनी उस बॉक्स में एक ब्लैंक कार्ड रखता है और जब ग्रेस उस कार्ड को बाहर निकालती है तो उस पे हाइड एंड सीक लिखा हुआ था। ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि क्या वो लोग सच में इस गेम को खेलने वाले हैं, जिस पर एलेक्स बताता है कि रूल्स के हिसाब से तो उन्हें ये गेम खेलनी ही पड़ेगी, लेकिन हम उसके चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं कि वो ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता। टोनी ग्रेस को बताता है कि वो लोग 100 तक काउंट करेंगे और इस बीच ग्रेस पूरे घर में कहीं पर भी छुप सकती है और उसे सूरज निकलने तक छुपे रहना है। अगर उससे पहले इन लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो वो ये गेम हार जाएगी। ग्रेस टोनी से सीसीटीवी के बारे में पूछती है तो वो उसे ऑफ करवा देता है। इसके बाद ग्रेस एक सर्विस एलिवेटर में जाकर छुप जाती है और इधर ये सभी अपने अपने हथियार लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुके थे।
अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये लोग आगे ग्रेस के साथ क्या करने वाले हैं। अब एलेक्स तो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, इसीलिए वो अपनी फैमिली को दिखाने के लिए एक रूम में जाकर बैठ जाता है और मौका मिलते ही वो ग्रेस की हेल्प करने के लिए उसे ढूंढने यहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि ग्रेस भी उस लिफ्ट में बैठे बैठे काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो ग्रेस को एक रूम में ले जाता है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ उनकी मेड भी पहुंच जाती है और उस मेड की आवाज सुनकर एमिली को लगता है कि वो ग्रेस होगी, इसीलिए वो उसे शूट करके मार देती है। ये सब देखकर ग्रेस काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर बाकी सब भी पहुंच जाते हैं और अब तो ये कन्फर्म हो गया कि ये सभी ग्रेस को मारना चाहते हैं। वो सभी उस मेड की बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उनके जाते ही एलेक्स भी ग्रेस को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलने लगता है। ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ चल के रहा है, तो एलेक्स उसे बताता है कि ग्रेस ने जो कार्ड चुना है यानी कि हाइड एंड सीक, वो एक डेथ गेम है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए सुबह होने से पहले उन सभी को मिलकर ग्रेस को जान से मारना होगा, और अगर वो सूरज निकलने से पहले ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा या फिर वो मारे जाएंगे। एलेक्स कहता है कि वो सिक्योरिटी रूम से जाकर किचन के दरवाजे को अनलॉक कर देगा और वहां से ग्रेस बाहर निकल सकती है। यहां से एलेक्स सिक्योरिटी रूम की ओर आगे बढ़ने लगता है और इधर ग्रेस किचन का रास्ता ढूंढते हुए गलती से इन सभी के सामने आ जाती है, लेकिन यहां भी वो किसी तरह उन सभी के बीच से बचकर निकल जाती है। ग्रेस एक दूसरे रूम में जाती है जहां वो देखती है कि घर के सारे फोन्स बंद थे, साथ ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी अच्छे से बंद की हुई थी। इसी बीच वहां पर डैनियल आ जाता है, लेकिन वो ग्रेस को देखने के बाद भी शांत था। डैनियल ग्रेस को बताता है कि वो इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वो किसी की जान लेना चाहता है। अब वो ग्रेस की मदद तो करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसे उसकी फैमिली का साथ देना पड़ेगा। पर यहाँ फिर भी डैनियल ग्रेस को भागने का मौका देता है और इस बीच ग्रेस वहाँ से निकल जाती है। डैनियल सभी को आवाज लगाकर अपनी ओर डिस्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि ग्रेस को थोड़ा और वक्त मिल पाए। अब यहाँ एमिली को पता लगता है कि उसकी गन अचानक से कहीं पर खो चुकी है। तभी फिर उसे अपना क्रॉसबो देता है और यहाँ फिर से वो गलती से एक और मेट को भी जान से मार देती है। अब इन सब के एक साथ होने के बाद भी एक लड़की को मारना इनके लिए इतना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए टोनी डिसाइड करता है कि अब वो सीसीटीवी की मदद लेंगे। इधर ग्रेस उसी वेपन रूम में जाती है जहां से वो एक शॉटगन और कुछ गोलियां अपने साथ लेकर यहां से आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कंट्रोल समझ नहीं आ रहे थे। इसी बीच ग्रेस भी किचन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी वहां पर इनका फैमिली कुक स्टीवन भी पहुंच जाता है। एलेक्स भी ये सब सीसीटीवी में देख रहा था और यहाँ ग्रेस काफी देर तक छुपने के बाद डिसाइड करती है कि उसके पास गन है, इसीलिए वो स्टीवन का सामना करेगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये गन्स इतनी पुरानी है कि अब वो सिर्फ डेकोरेशन के ही काम आती है। एलेक्स किसी तरह घर के सारे खिड़की दरवाजों को ओपन कर देता है और ग्रेस भी किसी तरह स्टीवन से बचते हुए घर के अंदर ही भाग जाती है। इधर टोनी और डैनियल भी एलेक्स के पास पहुंच जाते हैं और टोनी एलेक्स को एक रूम में हथकड़ी की मदद से बांध देता है। ग्रेस वापस से उसी सर्विस एलिवेटर में छुपने के लिए जाती है, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले से ही घर की तीसरी मेड छुपी हुई थी। और जैसे ही उस मेड को पता लगता है कि वो सभी ग्रेस को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, वो उन सभी को आवाज लगाकर बुलाने लगती है और इसी जल्दबाजी में वो गलती से उसी एलिवेटर के डोर्स में फंस कर मारी जाती है। ग्रेस तुरंत ही एक विंडो से बाहर निकलकर भागते हुए फार्म तक पहुंचती है जहां उसे एमिली का बेटा जॉर्ज मिलता है। वो तुरंत ही एमिली की खोई हुई गन से ग्रेस के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ग्रेस का एक हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। ये देखकर ग्रेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो सीधा ही जॉर्ज को पंच कर देती है। जॉर्ज यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसे डरकर ग्रेस गार्बेज एरिया में गिर जाती है। वहां उसे उन सभी लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जिसे एलेक्स की फैमिली ने इतने सालों में इसी रिचुअल के चलते मारा होगा। ग्रेस किसी तरह वहां से बाहर निकलती है और चलते हुए मेन गेट तक पहुंच जाती है। यहां उसे एक कार आती हुई नजर आती है, लेकिन वो कार वाला ग्रेस की मदद नहीं करता। इधर हम देखते हैं कि डैनियल और एमिली उस मेट की लाश को फेंकने के लिए उसी फार्म में आए थे जहाँ वो लोग देखते हैं कि जॉर्ज बेहोश था। यहाँ हम देखते हैं कि स्टीवन कार लेकर ग्रेस के पीछे निकल जाता है और काफी देर तक पीछे पड़ने के बाद किसी तरह वो ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन अब ग्रेस उसे फाइट बैक करती है और चोक करके स्टीवन को बेहोश कर देती है।
यहाँ ग्रेस उसकी कार लेकर निकलने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो कार बंद पड़ जाती है। तभी वहाँ स्टीवन भी पहुंच जाता है और वो ग्रेस को बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ग्रेस को अचानक से होश आ जाता है और वो स्टीवन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ स्टीवन तो मारा गया, लेकिन ग्रेस की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर डैनियल भी पहुंच जाता है और इस बार वो ग्रेस की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ग्रेस डैनियल से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे और उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन डैनियल उसे मारकर वापस से बेहोश कर देता है। और उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि टोनी छुपकर सब कुछ देख रहा था और यहाँ डैनियल को अपनी लॉयल्टी भी प्रूफ करनी थी। इधर हम देखते हैं कि बेकी एलेक्स के पास आती है, जहाँ एलेक्स उसे बताता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है यही वजह थी कि इतने सालों से वो अपने घर और अपनी फैमिली से दूर था। पर बेकी उसे कहती है कि यही उसकी जिंदगी है और अगर वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीना चाहता है तो उसे भी ऐसे जीना सीख लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ग्रेस को उन सभी लोगों ने बांध रखा था और वो उसे मारने के लिए किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स भी अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि वो सभी ग्रेस को मारने से पहले कुछ ड्रिंक करते हैं, जिसके अंदर डैनियल ने कुछ मिला दिया था और उसकी वजह से उन सभी की हालत खराब होने लगती है। इसका फायदा उठाते हुए डैनियल ग्रेस को फ्री कर देता है और यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। तभी अचानक ही उनके सामने चैरिटी आ जाती है और वो सीधा ही डैनियल को शूट कर देती है। ये देखकर ग्रेस उसके हाथ से गन छीन लेती है, लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। ग्रेस किसी तरह चैरिटी को बेहोश कर देती है, लेकिन वो यहाँ डैनियल के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे यहाँ पहले खुद की जान बचानी होगी। ग्रेस यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसके सामने टोनी आ जाता है। टोनी ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी ग्रेस टोनी को मार कर बेहोश कर देती है। तभी एलेक्स भी किसी तरह अपने हाथ खोल लेता है और बाहर निकलते ही उसे डैनियल जख्मी हालत में मिलता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डैनियल उसके सामने ही दम तोड़ देता है। अब यहाँ एलेक्स को ये लग रहा था कि ग्रेस ने अपनी जान बचाने के लिए डैनियल को मार दिया। ग्रेस भागते हुए एक रूम तक पहुंचती है, जहाँ बेकी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब यहाँ ग्रेस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इन सबसे लड़ते हुए, इसीलिए वो उसी मिस्ट्री बॉक्स से बेकी के चेहरे पर वार कर उसे बुरी तरह से मार देती है। तब तक वहाँ एलेक्स भी पहुंच चुका था और अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखकर एलेक्स को लगता है कि ग्रेस ही उसकी फैमिली को एक एक कर मार रही है। और अब एलेक्स अपनी फैमिली के साथ शामिल होकर खुद ही अपने हाथों से ग्रेस को मारेगा। वो सभी ग्रेस को डाइनिंग टेबल पर लेटा देते हैं और एलेक्स यहाँ ग्रेस के शोल्डर पर वार कर देता है, पर तभी ग्रेस किसी तरह खुद को उनसे छुड़ा लेती है और उन सभी की ओर उस नाइफ को पॉइंट करने लगती है। और इसी बीच सूरज भी निकल आया, यानी कि अब इन सभी का टाइम भी खत्म हो चुका था। वो सभी मिस्टर लबेल का नाम लेते हुए उससे माफी मांग रहे थे, पर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो सभी तो अब तक जिंदा है, लेकिन हेलेन को फिर भी लग रहा था कि उन्हें ग्रेस को जान से मारना ही होगा। हेलेन जैसे ही ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक से ही वो बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और इसी तरह एक एक करके बाकी सब भी ब्लास्ट होने लगते हैं। पर एलेक्स अब तक जिंदा था क्योंकि वो ग्रेस का हस्बैंड है। एलेक्स ग्रेस से माफी मांगने लगता है और वो ग्रेस को उसे एक और मौका देने के लिए कह रहा था, लेकिन ग्रेस अब तक समझ चुकी थी कि एलेक्स जैसा इंसान उसके लिए नहीं बना। ग्रेस अपनी रिंग निकाल कर एलेक्स के ऊपर फेंक देती है और उसके साथ करते ही एलेक्स भी ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ ही पूरे घर में आग लग जाती है। इसी आग में ग्रेस कुछ पल के लिए मिस्टर लबेल को भी देख पाती है, जिसका मतलब है कि ग्रेस ने इस गेम को सरवाइव कर लिया। फाइनली ग्रेस इस घर से बाहर निकलती है, जहां पुलिस के सायरन के साथ ये मूवी यहां पर एंड हो जाती है। तो गाइस मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइस जब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।